मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अपना चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण लेसन 2। मैंने आपको बताया था जो आर एच विटेकर थे उन्होंने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा। पहला जगत था मोनेरा, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, तीसरा जगत था फंजाई या कवक, चौथा जगत था बेटा प्लांटी, और जो पांचवा जगत था वो एनिमिलिया। अब बेटा अपन प्रत्येक जगत के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था कि मोनेरा के लक्षण क्या है, क्या मोनेरा में किन जीवों को रखा गया है और किसके आधार पर रखा गया है। देखो बेटा जो मोनेरा है इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है ना। इस दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो सब किसके अंतर्गत रखे गए हैं? मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। किसके अंतर्गत बेटा? ये प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब आप जानते हो जो केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा? इनका जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली रहित होता है। कैसा होता है? केंद्रक, केंद्रक झिल्ली रहित होता है, है ना। ऐसे केंद्रक को अपन इंसिपिएंट केंद्रक या केंद्रकाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस या केंद्रकाव कहते हैं, न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रकाव, न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। प्रोकैरियोट हैं, ठीक है ना बेटा, इसमें क्या नहीं होती? केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, अर्थात केंद्रक अविकसित होता है और झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज रहित होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की भी बनी हुई होती है, ठीक है बेटा। और ये जो पोषण, इनमें जो पोषण होता है स्वपोषी भी होते हैं और कैसे होते हैं? परपोषी भी होते हैं। देखो बेटा मोनेरा के अंतर्गत समस्त सूक्ष्म जीवों को, समस्त तो नहीं कह सकते, अधिकांशतः अधिकांश सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। अब ये पूछोगे आप, सर ये सूक्ष्म जीव क्या है? माइक्रोब्स। बताता हूं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं सूक्ष्म जीव। बेटा बहुत अत्यंत आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। देखो जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी जो खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों की जो खोज है बेटा वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा विकसित किए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नाली के पानी, दांतों के मैल आदि को देखा और उसमें उन्होंने छोटे छोटे जीव देखे और उन छोटे छोटे जीवों को इन्होंने, किसने? एनिमल क्यूल नाम दिया। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जो एनिमल क्यूल थे बेटा उसमें क्या थे? कुछ बैक्टीरिया थे, है ना, कुछ फंजाई भी थे, ठीक है बेटा, कुछ प्रोटोजोआ भी थे, ठीक है बेटा, कुछ स्पर्म आदि भी थे, ठीक है ना, ये उसमें बहुत सारे क्या थे? जीव थे। तो इन्होंने एक नए संसार की खोज की और ऐसे संसार की खोज की, ऐसे जीवों को देखा जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अर्थात वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जो मोनेरा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। उन्हें केवल और केवल किससे देखा जा सकता है?
सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। अर्थात इन्होंने इन सूक्ष्म जीवों की खोज की, इसलिए एंटोनी वॉन लुविनहॉक को अपन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पितामह इनको कहा जाता है। ठीक है बेटा, इन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा, इसलिए इन्हें अपन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का पितामह भी कहते हैं। इन्होंने प्रोटोजोआ की भी खोज की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, एंटोनी वॉन लुविनहॉक पैसे से एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे, सूखे मेवे के व्यापारी थे, लेकिन उनकी जो रुचि थी वो कांच के टुकड़ों को घिसने में थी और उनसे वस्तुओं को देखा करते थे। ऐसे ऐसे उन्होंने खेल ही खेल में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का विकास किया और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कुछ ऐसे जैसे नाली का पानी है, दांतों का मैल है आदि को देखा। देखने के बाद बड़े आश्चर्यचकित हुए कि एक तो संसार वे जिसे अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं और एक संसार ये जिसे केवल लेंसों से या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने देखा उन्हें एनिमलक्यूल नाम दिया। एनिमलक्यूल में बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ आदि जीव थे। इसलिए एंटोनी वॉन लुविनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, देखो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आप जल्दी से लीजिए। चलो मिटा रहा हूं मैं ना। देखो मोनेरा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत बेटा एक तो बैक्टीरिया, जीवाणु, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें अपन नील हरित जीवाणु या नील हरित शैवाल भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या नील हरित जीवाणु भी कहते हैं, और तीसरे होते हैं बेटा माइकोप्लाज्म। क्या होते हैं? माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, मोनेरा के अंतर्गत जीवाणुओं को, साइनोबैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को बेटा क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। देखो जो बैक्टीरिया है उनको अपन आगे दो भागों में बांटेंगे, है ना, एक तो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। अब देखो बेटा, आपको मैंने बताया कि सूक्ष्म जीव हैं, देखो सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, फंजाई भी किसके अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं, है ना, प्रोटिस्टा के सदस्य भी बेटा किसके अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सभी सूक्ष्म जीवियों में, किसमें, सभी सूक्ष्म जीवों में जो सर्वाधिक होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। ठीक है बेटा, सभी सूक्ष्म जीवों में जो सर्वाधिक होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, अब देखो ये जो बैक्टीरिया हैं वो सर्वव्यापी होते हैं।
कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। जहां पर सामान्य जनजीवन संभव नहीं होता वहां पर भी जीवाणुओं के पाए जाने की क्या होती है? संभावना होती है। और मृदा में इनकी जो संख्या होती है वो बेटा सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। अगर बात करें अपन एक चम्मच मृदा में ये करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अत्यंत विविधता पाई जाती है, आकार में भी विविधता होती है, इनके रूप में भी विविधता होती है, इनके पोषण में भी विविधता पाई जाती है। इसलिए ये अपनी संख्या बहुत तेजी से क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक। सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन देखो सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ये नहीं पाए जाते। देखो कहां कहां पाए जाते हैं, ये गर्म जल में भी होते हैं, गर्म जल में भी होते हैं, पहाड़ों पर भी पाए, मृदा में भी होते हैं, पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं, है ना, समुद्रों में होते हैं, तालाबों में होते हैं, सभी जगह होते हैं, अंधेरी गुफाओं में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन कहां नहीं पाए जाते बताओ? देखो बेटा ये जो जीवाणु है, क्या है जो जीवाणु है? एक तो ज्वालामुखी के लावा या ज्वालामुखी की राख, ज्वालामुखी की राख में नहीं होते, ठीक है बेटा। देखो सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं केवल इनको छोड़कर, है ना। ताजा निकला ज्वालामुखी का लावा या राख है, ज्वालामुखी की किस्म में नहीं होते, राख में नहीं होते, वर्षा जल में नहीं होते, रेन वाटर, वर्षा जल, पहली बरसात को छोड़कर, पहली दूसरी बरसात को छोड़कर जो बाकी की जो बरसातें होती हैं उस जल को यदि बेटा ऊपर इकट्ठा कर लिया जाए तो बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह होता है, उसमें क्या नहीं होते? सूक्ष्म जीव नहीं होते। अगर वो मृदा में आ गया और मृदा से आप जमीन से इकट्ठा करते हो तो उसमें सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक है ना। ज्वालामुखी की राख में क्या नहीं पाए जाते? बैक्टीरिया नहीं होते। वर्षा जल में भी क्या नहीं होते बेटा? बैक्टीरिया नहीं होते हैं। जो आसुत जल है, डिस्टिल वाटर, आसुत जल, डिस्टिल वाटर, जो इंजेक्शन में मिलाने के, जो सूखे इंजेक्शन आते हैं उनमें मिलाने के लिए लेते हैं, पानी सा होता है, छोटा सा गैप आता है, 1 रुपए का 2 रुपए का, उसमें इंजेक्शन से दूसरे उस इंजेक्शन में मिलाया जाता है, उसको हिलाकर लगाया जाता है, वो बेटा क्या होता है? आसुत जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है ना। आसुत जल में भी ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। इसके अलावा जंतु व पादपों के स्त्राव में, जंतु व पादपों के स्त्राव में भी बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, क्लियर। बैक्टीरिया सभी जगह होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, लेकिन कहाँ नहीं पाए जाते? ज्वालामुखी की राख में नहीं होते, वर्षा जल में नहीं होते, आसुत जल में नहीं होते, जंतु व पादपों के स्त्राव। जंतु और पादपों के स्त्राव की बात करें, जंतुओं के स्त्राव कौन से हैं? जैसे जंतुओं का स्त्राव है दूध, है ना बेटा। दूध आपने काढ़ा, वो कैसा है? जीवाणु रहता है। अगर बाल्टी में जीवाणु लगे हुए हैं तो वो जीवाणु युक्त हो जाएगा, लेकिन उससे शरीर से जो निकला है ना वो कैसा होता है बेटा? वो जीवाणु रहित होता है। पादपों के स्त्राव हैं, बहुत सारे लेटेक्स निकलता है पादपों से, रबर निकलता है, निकलता वो भी बेटा कैसे होते हैं? गम निकलता है, गोंद, वो भी बेटा कैसे होते हैं? जीवाणु रहित होते हैं, ठीक है ना। तो सर्वव्यापी हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी की राख, वर्षा जल, आसुत जल, जंतु व पादपों के स्त्राव में ये नहीं पाए जाते, ठीक। अब बेटा इनके पोषण में, किसमें? जो जीवाणु है इनके पोषण में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोषण में, इनके पोषण में क्या होती है? विविधता होती है। अर्थात ये बेटा कैसे होते हैं? स्वपोषी भी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अब स्वपोषी की बात करें, रसायन संश्लेषी भी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। रसायन संश्लेषी भी होते हैं
और बेटा ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, ठीक। इसके अलावा बेटा अधिकांशतः जो शेष बचे वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, जो परपोषी है या तो बेटा मृतोपजीवी के रूप में होते हैं, सेप्रोफाइट के रूप में, जो सड़े गले पादप पदार्थों से, सड़े गले जीवों से या मृत जीवों से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पादपों पर भी परजीवी होते हैं, मानव पर भी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है बेटा। इस प्रकार पोषण में इनमें क्या पाई जाती है, अत्यधिक विविधता पाई जाती है इन्हीं विशेषताओं के कारण। इनमें जो बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है वो संयुग्मन के द्वारा होता है या सरल असूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इनमें वास्तविक लैंगिक जनन का क्या होता है, अभाव होता है। वास्तविक लैंगिक जनन का क्या होता है, इनमें अभाव होता है। इनमें कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, संयुग्मन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इनके आकार के आधार पर विविधता। आकार में इनकी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। आकार के आधार पर देखो, मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं, मोनेरा के अंतर्गत जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनके आकार में क्या होती है, अत्यधिक विविधता होती है, ठीक। अब बेटा किस किस आकार के पाए जाते हैं, देखो किस आकार के पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु तो होते हैं गोल। कैसे होते हैं बेटा, कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, गोल होते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं छड़ाकार, कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, छड़ाकार होते हैं, ठीक। कुछ जीवाणु बेटा कोमाकार होते हैं। क्या होते हैं, जैसे अपन कोमा लगाते हैं इस प्रकार का, ठीक है बेटा, कैसे होते हैं, कोमाकार बड़ा बना रहा हूं, चलो कोमाकार भी होते हैं। और कुछ बेटा जो जीवाणु होते हैं वो सर्पिल होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, सर्पिल होते हैं। ये चार इसके रूप बताए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है बेटा। जो गोल होते हैं, क्या होते हैं, जो गोल होते हैं उनको गोलाणु या कोकस कहते हैं। जो गोल होते हैं उनको क्या कहते हैं, गोलाणु या कोकस कहते हैं, ठीक है बेटा। वे जीवाणु जो गोलाकार या अंडाकार होते हैं, कैसे होते हैं, या तो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, या बेटा कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गोलाणु कोकस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, किसकी, अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे माइक्रोकोकस है, माइक्रोकोकस ना बेटा, देखो ये गोलाणु अगर एक है तो माइक्रो, दो है तो डिप्लो, ठीक है बेटा, चार है तो टेट्रा, इस प्रकार से इनको आगे विभाजित किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है बेटा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोकोकस है, इसके अलावा जो निमोनिया का होता है वो बेटा डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। क्या है, डिप्लो
कोकास न्यूमोनी की जीवाणु है, ये भी कैसा होता है, इसका आकार गोलाकार होता है। क्या होता है, वे जीवाणु जिनका आकार गोलाकार या अंडाकार होता है कोकस गोलाणु कहलाते हैं, जैसे माइक्रोकोकस है ना, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं दूसरे की, ये कैसे हैं, छड़ाकार। कैसे है बेटा, छड़ाकार है ना, दंडाकार। इनको अपन बैसिलस बैसिलस या इनको क्या कहते हैं, दंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, वे जीवाणु जो छड़ाकार या दंडाकार होते हैं, वे जीवाणु जो छड़ाकार या कैसे होते हैं, दंडाकार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, बैसिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बैसिलस कहलाते हैं। जैसे बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस है ना, क्षय रोग का, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस ये जो जीवाणु है वो कैसा होता है बेटा, छड़ाकार या दंडाकार होता है ना, और छड़ाकार या दंडाकार होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया, बैसिलस नाम दिया गया। अब बात करते हैं अपन कौन से, जो कौमाकार होते हैं, जो कौमाकार जो जीवाणु होते हैं उनको अपन विब्रियो या कौमाकार जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, विब्रियो या कौमाकार जीवाणु, जिन जीवाणुओं का आकार अंग्रेजी के जो निशान होता है कैसा होता है बेटा, कौमा के आकार का, कौमा के जो आकार का होता है वो क्या कहलाते हैं, विब्रियो या कौमाकार कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पलों की बात करें तो हैजे रोग का जो रोग जनक है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है बेटा, जो विब्रियो कॉलेरी है, क्या है, विब्रियो कॉलेरी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, कौमाकार होता है, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस का या लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस है। क्या है, लैक्टोबैसिलस। इसका जो बेटा आकार होता है वो कैसा होता है, छड़ाकार होता है, दंडाकार होता है। ठीक, अब बात करें अपन जो सर्पिल आकार के होते हैं है ना, इनको बेटा स्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरिलम। ठीक है बेटा, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार जीवाणु, सर्पिल आकार के फीतेनुमा, सर्पिल आकार के या कैसे होते हैं बेटा, ये फीतेनुमा होते हैं, सर्पिल आकार के या जो फीते नुमा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पाइरिलम या सर्पिलाकार जीवाणु कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, अगर इसके एग्जांपल की बात करें स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस जो सर्पिल आकार के जो जीवाणु हैं वो फीतेनुमा होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। ठीक है बेटा, आकार के आधार पर अपन ने जीवाणुओं को चार प्रकारों में बांटा। एक तो होते हैं कोकस, दूसरे होते हैं बैसिलस, तीसरे होते हैं विब्रियो और चौथे होते हैं बेटा स्पाइरिलम। स्पाइरिलम सर्पिल आकार के होते हैं, जो विब्रियो हैं वो कौमाकार होते हैं, जो बैसिलस हैं वो छड़ाकार होते हैं, और जो कोकस हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है बेटा, मिटा दूं। देखो बेटा, विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर जो जीवाणु हैं उनको अपन दो भागों में बांटते हैं। जो बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया हैं उनको अपन कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं बेटा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं आर्की बैक्टीरिया। एक तो होते हैं यू बैक्टीरिया, एक होते हैं बेटा आर्की जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, आर्की जीवाणु, और दूसरे कौन से होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटा, आर्की जीवाणु के बारे में। किसके बारे में, आर्की जीवाणु क्या है बेटा? ये जो आर्किया है, क्या है, आर्किया या आर्की जीवाणु प्रोकैरियोट का मुख्य समूह है। क्या है, प्रोकैरियोट का क्या होता है, मुख्य समूह होता है। क्या होता है बेटा ये प्रोकैरियोट का, क्या होता है, मुख्य समूह होता है। विकास की दृष्टि से ये अति प्राचीन है, विकास की दृष्टि से जो आर्की बैक्टीरिया है वो अति प्राचीन हैं। कैसे हैं, बहुत पुराने हैं। अब बेटा यदि इनके अपन सामान्य लक्षणों की बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन कि आर्की बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण क्या हैं। देखो बेटा, जो आर्की बैक्टीरिया हैं तो बैक्टीरिया, लेकिन अति प्राचीन हैं, और उस समय जो वातावरणीय परिस्थितियां थीं वो अधिक अनुकूल नहीं थी। वर्तमान में क्या मानव ने अपने कृत्रिम साधनों के द्वारा या कैसे भी क्या बना ली हैं, परिस्थितियां अनुकूल बना ली हैं। बेटा ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं ऐसे स्थानों पर रह सकते हैं, ऐसे स्थानों पर रह सकते हैं जहां पर सामान्य जीव नहीं पनप सकते। ये ऐसे स्थानों पर रह सकते हैं जहां सामान्य जीव नहीं पनप सकते, जहां सामान्य जीव नहीं पनप सकते। ठीक है बेटा, ये ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां पर सामान्य जीव नहीं पनप सकते। वो कौन है, आर्की जीवाणु हैं, आर्की क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। देखो बेटा, इनमें अविकल्पी अनोक्सी श्वसन होता है, इनमें अविकल्पी अनोक्सी क्या होता है, श्वसन होता है।
इनमें अविकल्पी अनोक्सी क्या होता है, श्वसन होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल होती है बेटा, वो पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की, पॉलीसेकेराइड या किसकी बनी होती है बेटा, पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। और बेटा ये उच्च प्रतिरोधी होते हैं, क्या होते हैं ये बेटा, क्या होते हैं, उच्च प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए इन पर अधिक ताप का, अधिक ताप का, अधिक लवणों का अधिक लवणीकरण का, ठीक है बेटा, विकिरणों का, पीएच का, विकिरण, पीएच आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, उच्च प्रतिरोधी होने के कारण जो आर्के बैक्टीरिया हैं उन पर उच्च ताप का, अधिक लवणों का, विकिरणों का और पीएच का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बेटा इनमें जो आरएनए होता है, क्या आरआरएनए होता है, वो आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए, जो आरआरएनए है वो 16 एस प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, जो आरआरएनए है वो कितने प्रकार का होता है बेटा, 16 एस प्रकार का क्या होता है, आरआरएनए होता है। ठीक, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोट का मुख्य समूह है, विकास की दृष्टि से बेटा क्या होते हैं, अति प्राचीन होते हैं। ठीक, ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर सामान्य जनजीवन संभव नहीं होता। ठीक है बेटा, इनमें ये बिना श्वसन के भी रह सकते हैं, अर्थात इनमें अविकल्पी क्या होता है, अनोक्सी श्वसन होता है, बिना ऑक्सीजन के ये जीवित रह सकते हैं। बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनोक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है बेटा, और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो पॉलीसेकेराइड या किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ये उच्च प्रतिरोधी होते हैं, अधिक ताप को या अधिक ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अधिक लवणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकिरणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उच्च या निम्न पीएच का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इनमें जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है, 16 एस प्रकार का होता है। ठीक है बेटा, अब देखो जो आर्की बैक्टीरिया है उनमें जो आर्की बैक्टीरिया, इनको भी अपन आगे विभाजित करते हैं। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, सुनो, आर्की बैक्टीरिया और बेटा आर्की बैक्टीरिया तीन प्रकारों के बारे में बात करेंगे अपन। कितने प्रकारों में, तीन प्रकारों के बारे में। देखो एक तो है बेटा मैथेनोजन, क्या है, मैथेनोजन, मैथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक बेटा, दूसरे होते हैं हेलोफी, हेलोफी होते हैं,
और तीसरे होते हैं थर्मो एसिडोफिलस। क्या होते हैं? थर्मो एसिडो फिलस होते हैं, थर्मो एसिडो फिलस। तीन प्रकार के बैक्टीरिया हैं, थर्मो एसिडो फिलस, हेलोफी और क्या है, मैथेनोजन बैक्टीरिया हैं। देखो बेटा, मैथेनोजन ये वे बैक्टीरिया है जो मैथेन उत्पन्न करते हैं। क्या है बेटा ये? मैथेन उत्पन्न करने वाले ये कौन से बैक्टीरिया हैं? मैथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं। और बेटा ये कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। कैसे हैं? मैथेन उत्पन्न करते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। ये CO2 को किसको बेटा? CO2 को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? मैथेन में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। अब बात करते हैं पाए कहाँ जाते हैं। देखो बेटा, ये जो मैथेनोजन बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये वाइट मल में होते हैं। कहाँ होते हैं? वाइट मल में ये पाए जाते हैं, गोबर में होते हैं। और जो पशुओं का जो प्रथम आमाशय रोमेन होता है, चरने वाले जो पशु होते हैं, पशुओं के प्रथम आमाशय रोमेन में ये पाए जाते हैं। ठीक, मैथेन उत्पन्न करने वाले हैं, मृतोपजीवी हैं, CO2 को मैथेन में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। वाहित मल में, गोबर में पाए जाते हैं और पशुओं के प्रथम आमाशय रूमेन में ये होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? हेलोफी के बारे में। चलो इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं बेटा। मैथेनोजन बैक्टीरिया के जो एग्जांपल हैं वो मैथेनो बैक्टीरियम है। ठीक, मैथेनोकोकस है, क्या है? मैथेनोकोकस। ये जो जीवाणु है, देखो मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोकोकस, बताओ मैथेनोकोकस का आकार कैसा होगा बेटा? ये कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? हेलोफी के बारे में। देखो बेटा, जो हेलोफी है वो अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं। हेलोफी हैं वो किसमें पाए जाते हैं? अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं। और ये सौर ऊर्जा से सीधे ATP अणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अत्यधिक लवणीय जल में पाई जाती हैं, सौर ऊर्जा से ATP अणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लेकिन ये प्रकाश संश्लेषी नहीं होते, इनमें देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें नहीं होती है। और यदि अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है बेटा इसका हेलोबैक्टीरियम। क्या है? हेलोबैक्टीरियम। ठीक है ना, अत्यधिक लवणीय जल का इनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सौर ऊर्जा से ये सीधे ATP अणुओं का, इट मीन्स ऊर्जा, भोजन से अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है बेटा, ऊर्जा का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि हेलोबैक्टीरियम।
अब बात करते हैं बेटा थर्मो एसिडोफिलस। देखो ये थर्मो और एसिडो और फिलस, थर्मो मीन्स होता है बेटा गर्म और एसिडो मीन्स क्या होता है अम्लीयता। ठीक है बेटा अब सुनो, ये अत्यधिक तापक्रम में पाए जाते हैं, अधिक अम्लीयता वाले स्थानों पर होते हैं, अधिक तापक्रम पर होते हैं, अधिक अम्लीयता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। और बेटा ये अधिकांशतः हिमालय क्षेत्र में, इनकी जो विशेषता है बेटा ये अधिकांशतः कहाँ पर होते हैं, हिमालयी क्षेत्र में। जो गर्म जल के झरने हैं, क्या है, गर्म जल के झरने, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, चश्मे भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गर्म जल के झरनों को पंचचश्मे भी कहते हैं, उनमें पाए जाते हैं। और ये 100 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम का भी इनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये जो जीवाणु हैं बेटा वो कैसे होते हैं, गंधक युक्त होते हैं ना, कैसे होते हैं, सल्फर युक्त होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, एसिडोथर्मस बैक्टीरिया है, क्या है, एसिडोथर्मस बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है बेटा, थर्मो एसिडोफिलस का क्या है, जीव है। ठीक है ना, हेलोफी आपको मैंने बता दिया, ये सब के सब क्या है, आर्की बैक्टीरिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। ओके थैंक यू, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।